हेलो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी पॉइंट पे तो हम अपनी आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा एंड तक देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज की वीडियो तो क्वेश्चन नंबर वन है हमारा विच एनिमल डू नॉट मेक एनी साउंड ऐसा कौन सा एनिमल है जो कोई भी साउंड नहीं निकालता है तो वो है जिराफ जिराफ इज़ द एनिमल दैट डू नॉट मेक एनी साउंड द बर्ड विच लेज मोर देन हंड्रेड एक्स इन वन नेस्ट एक ऐसा बर्ड जो एक घोसले में सौ से ज़्यादा अंडे देता है वो है ऑस्ट्रिच वट एनिमल्स हैज़ द रस्ट मैमरी किस एनिमल के पास सबसे लिस्ट शॉर्टेस्ट मैमरी होती है वो होती है एलिफेंट के पास और जबकि डॉल्फिन के पास सबसे ज़्यादा लंबी मैमरी होती है सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो स्कैल्टन एट ऑल तो किसके पास स्कैल्टन नहीं होता है तो होता है जेलीफिश विच एनिमल कैन क्रिएट द लाउडेस्ट साउंड अमंग एनी लिविंग लिविंग क्रिएचर जितने भी क्रिएचर है सब में सबसे ज्यादा जो लाउडेस्ट साउंड सबसे तेज साउंड जो निकाल सकता है वो कौन है हम्प बैक वेल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द फिनोमिनन फाउंड वेयर इन द फीमेल किल्स द मेल आफ्टर पॉपुलेशन कॉपुलेशन के बाद फीमेल मेल्स को किल कर देती है ये कौन से ऑर्गेनिज्म है हनी भी द भिंडावास बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट तो ये हरियाणा में है पश्चिमा शॉल इज मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ जो पश्चिमा शॉल है जो बहुत फेमस है ये किसके हेयर से बनता है गोट बकरी के बालों से नेम द बर्ड दैट माइग्रेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल एंड बैक ऐसा कौन सा बर्ड है Uh, जो माइग्रेट करता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाता है और फिर वापस आ जाता है तो यह है आर्कटिक टर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एनिमल बी आर इथ ऐसा कौन सा ग्रुप है एनिमल्स का जिनके पास दांत नहीं होते हैं तो उसमें होते हैं पिकॉक ऑस्ट्रिच एंड टोटोइ इनके पास दांत नहीं होते हैं दिस एनिमल फास्ट फॉर अबाउट एट मंथ्स इन अ ईयर एंड येट इज़ एक्टिव गिव बर्थ एंड नर्सिस इट्स यंग वाइल्ड फास्टिंग तो ऐसा एनिमल जो लगभग आठ महीने तक एक साल में फास्ट रख सकता है उसके बाद भी एक्टिव होता है जन्म दे सकता है तो ये होता है पोलर बियर नेम द ओनली एनिमल दैट डिसलाइक वाइट कलर एक ऐसा एनिमल जो वाइट कलर को डिसलाइक करता है पसंद नहीं करता है वो होता है टाइगर अ बर्ड विच लेवस ओनली वन एग इन टू ईयर एक ऐसा एनिमल जो दो साल में सिर्फ एक अंडा देता है वो है एल्बर्ट्रोस इन विच ऑफ द फॉलोविंग एनिमल इज रिस्पायरेशन डन बाय स्किन स्किन के द्वारा कौन सांस लेता है रिस्पायरेशन करता है तो वो है फ्रॉक मेंढक विच अमंग द फॉलोविंग हैव अ मिक्सड हर्ट तो ये रेप्टाइल्स के पास होता है देखिए मिक्सड हर्ट मीन्स द हर्ट इन विच द ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मिक्सड मतलब जो प्योर ब्लड होता है और जो इमप्योर ब्लड होता है वो मिक्स होता है इनके हर्ट में तो ये होता है रेप्टाइल्स के पास और एम्फीबियन के पास एम्फीबियन कौन होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पे सर्वाइव करते हैं सो विच एनिमल एक्सक्लूसिवली ईट ओनली एंड नथिंग एल्स जो सिर्फ पत्ते खाता है और कुछ नहीं खाता वो था कौला विच लिविंग बर्ड लेज द वर्ल्ड इज लार्जेस्ट एक्ट जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा देता है तो वो आपको पता ही है ऑस्ट्रिच द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस आ मॉस्कोट विच हैज बीन नेम्ड भूर सिंह द बारासिंगा इज वो था काना टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है विच ऑफ द फॉलोविंग इज द नेशनल इक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया अगर हम अपने राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो वो है डोल्फिन द फिश दैट कैन टेस्ट विद इट्स होल बॉडी इज अ कैट फिश फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज द डाइट मेनली कम्पोज ऑफ अदर स्नेक्स ये होता है किंग कोबरा विच बर्ड कैन टर्न हैड अराउंड टू लुक बैकवर्ड ऐसा कौन सा बर्ड है जो अपने सिर को घुमाकर पीछे की साइड देख सकता है तो वो होता है ऑल उल्लू हाउ मच वॉटर कैन बी यूज बाय अ कैमल इन ड्रिंकिंग इन अ सिंगल टाइम एक बार पानी पीते हुए कैमल लगभग पा, कितना पानी पी सकता है अप टू हंड्रेड लीटर विच ऑफ द फोलोइंगज द लार्जेस्ट आई ऑफ ऑल लैंड मैमल्स लैंड पे जितने मैमल्स हैं उन सब में से सबसे ज्यादा बड़ी आँखें किसके पास हैं सबसे ज्यादा बड़ी आँखें किसकी होती है वो होती है घोड़े की हॉर्स की सो वॉट इज द मैक्सिमम रनिंग लैंड स्पीड ऑफ क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल की रनिंग स्पीड कितनी है लैंड पे वो है 17 किलोमीटर पर लीटर द कंट्री इन विच याक इज फाउंड तो ये तिब्बत में पाया जाता है द फास्टेस्ट मूविंग इंसेक्ट इन द वर्ल्ड इज द तो वो है ट्रॉपिकल कॉकरोच हाउ मैनी लैक्स डज अ बटरफ्लाई है बटरफ्लाई के पास कितने लैक्स होती हैं तो इसके पास सिक्स होती है विच इज द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड ऐसा कौन सा बर्ड है जो पीछे की साइड उड़ सकता है वो होता है हमिंग बर्ड द एज ऑफ अ लॉयन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स लॉयन की एज हम कैसे डिटरमाइन करते हैं वो करते हैं हम उसके नोज से बाय सींग दलर ऑफ द नोज वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ लॉयस उसके नाक का कलर देख के उसकी एज को डिटरमाइन किया जाता है वॉट काइंड ऑफ एनिमल इस डोले ये होता है विल्ड डॉग द डोल्फिन क्या है द डोल्फिन इज मैमल ये एक मैमल है वॉट इज़ द लार्जेस्ट सी बर्ड सबसे बड़ा सी बर्ड कौन सा है तो वह है अल्बर्ट्रोज वट इज़ द रनोज हॉर्न मेड ऑफ जो राइनोज के हॉर्न होते हैं सिंग होते हैं वो किससे बने होते हैं कैरोटीन से द ओनली फिश दैट मेक्स नेस्ट इज द ऐसी ओनली फिश एक ऐसी फिश जो घोंसला बनाती है वो है स्टिकल बैक विच इज़ फास्टेस्ट स्विमिंग फिश जो सबसे तेज स्विमिंग फिश है वो है सेल फिश वॉट एनिमल हैज द हाइएस्ट ब्लड प्रेशर तो ये होता है जिराफका विच इज़ द ओनली स्नेक दैट बिल्ड नेस्ट ऐसा स्नेक जो घोसला बनाता है तो होता है किंग कोबरा विच इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एनिमल इन द कैट फैमिली तो होता है स्नो लेपार्ड विच इज़ द लॉन्गेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट स्नेक कौन सा है तो है रेटिकुलेटेड पाइथन वट इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल द बर्ड्स सभी बर्ड्स में कौन सा फास्टेस्ट है स्विफ्ट इज द फास्टेस्ट अमंग ऑल द बर्ड्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोविंग इज द वर्ल्ड इज मोस्ट पॉइजनस स्नेक कॉल्ड हाइड्रोफिस सी स्नेक नेम एंड एनिमल दैट हैज आइज येट साइटलेस तो होता है बैट्स द एनिमल हैविंग लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन जो सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाला एनिमल है वो है टोटोइ द फास्टेस्ट मूविंग लैंड स्नैक इन द वर्ल्ड इज जो लैंड पे सबसे तेज स्पीड में मूव करता है वो है ब्लैक मैम्बा सो वॉट एनिमल आर वॉम ब्लडेड ऐसे कौन से एनिमल हैं जिन जो वॉम ब्लडेड होते हैं वो होते हैं बर्ड्स और मैमल्स भी होते हैं जो वॉम ब्लडेड होते हैं मंकीज होते हैं वेल्स होते हैं एलिफेंट चेताज जिराफ पिक पैट्स ये सब क्या है वोम ब्लडेड है वोम ब्लड मतलब ये कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं कोल्ड कैसा भी इलाका हो चाहे ठंडा इलाका हो चाहे गर्मी हो कैसा भी टेम्परेचर ये खुद को डाल लेते हैं और कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं जो ऐसा नहीं कर पाते इसमें आते हैं ऑल रेप्टाइल्स एम्फीबियन आते हैं फिश आती है और नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी हर्ट डज एन ऑक्टोपस हैव ऑक्टोपस के पास कितने हर्ट होते हैं तो तीन होते हैं बीज हैव डेस्ट पेयर ऑफ विंग्स टू पेयर ऑफ विंग्स होते हैं इनके पास द स्मॉलेस्ट डॉग ऑन अर्थ इज्जा अर्थ हमारी अर्थ पर आ, सबसे छोटा डॉग कौन सा होता है चीहू आहुआ द लार्जेस्ट कैंगारू इन द वर्ल्ड इज्जा ये होता है रेड कैंगारू अमंग ऑल टू लेग्ड क्रिएचर विच क्रिएचर रन्स द फास्टेस्ट दो पैर वाले जो एनिमल आ, एनिमल होते हैं बर्ड होते हैं उन सब सबसे ज़्यादा स्पीड से कौन रन कर सकता है वो है ओस्ट्रिच द फर्स्ट एनिमल टू गो इन टू अ स्पेस जो स्पेस में सबसे पहले गया था किसको लेके गए थे डॉग को हाउ लॉन्ग इज़ अ जिराफ टंग इन फिट जिराफ की जीभ कितनी लंबी होती है तो ये वन पॉइंट सिक्स फिट होती है और ये अपनी नेक को लंबी कर सकता है सिक्स फिट तक और इसकी टंग जो यूजअली मेजर की जाती है वो है एटीन टू ट्वेंटी इंच लॉन्ग हाउ मैनी ईयर्स कैन आर कैट लाइव अप टू एक बिल्ली कितने साल जी सकती है तो है ट्वेंटी ईयर्स गैल्टन इज विसल इज मोस्ट कॉमनली एसोशिएटेड विद डॉग्स वॉट काइंड ऑफ क्रिएचर इज द हर्ट ऑन इट्स हैड सो श्रिम्प हर्ट इज लोकेटेड ऑन इट्स हैड वॉट कलर इज अ जिराफ इज टंग जिराफ की टंग का क्या कलर होता है तो पर्पल होता है हाउ मैनी ईयर्स एम यू बर्ड कैन लिव एम यू कितने साल जी सकता है तो सिक्सटी ईयर्स द एवरेज वेट ऑफ अ ब्लू वेल ब्लू वेल का एवरेज वेट क्या है वन पॉइंट टू लैख के जी विच ऑफ द एनिमल हैज कंपेरेटिवली लॉन्गर इंटेस्टाइन तो वो रेबिड की होती है मोस्ट हाईली इंटेलिजेंट मैमल सभी मैमल्स में कौन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो है डोल्फिन डोल्फिन आर द मोस्ट हाईली इंटेलिजेंट मैमल वॉट एनिमल्स ईट बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स ये होता है ओमनीवयरस प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर मीन्स एनिमल और प्लांट्स ये दोनों खाते हैं तो ओमनीवोयर्स होते हैं ये विच इज द ओनली बर्ड दैट कैन रोटेट इट्स हैड टू टू सेवेंटी डिग्री तो ये ऑल होता है उल्लू ये अपने हेड को टू सेवेंटी डिग्री तक रोटेट कर सकता है नंबर ऑफ एलेरी मसल्स इन कॉकरोच तो ट्वेल्व पेयर होते हैं हाउ लॉन्ग कैन अ बीवर होल्ड इट्स ब्रेथ तो ये बीवर एक है ये पंद्रह मिनट तक अपनी सा अपने ब्रेथ को रोक के रख सकता है पानी के अंदर विच इज़ द ओनली स्नेक दैट बिल्ड नेस्ट कौन सा स्नेक है जो अपना घोंसला बनाता है तो वो किंग कोबरा होता है हाउ मैनी टेंकल्स डज एन ऑक्टोपस हैव तो इसके पास एट होते हैं थ्री uh, हर्ट होते हैं इसके पास नाइन ब्रेन होते हैं और एट टेंटकल्स होते हैं नेम द ओनली एनिमल विच कैन नॉट जम्प ऐसा एनिमल जो जंप नहीं कर सकता वो होता है एलिफेंट द ओनली बर्ड विच कैन फ्लाई बैकवर्ड जो पीछे की साइड जो पीछे उड़ सकती है वो है हमिंग बर्ड हाउ मैनी लेग्स आर मॉस्किटो हैज़ सो सिक्स लेग होती है इनके पास वो डज ई स्टैंड फॉर इन सेवन सेवन में इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन वल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क सो ई स्टैंड फॉर इन्फोर्समेंट मेल मॉस्किटोज टेक देयर फूड फ्रोम सैप ऑफ प्लांट्स विच इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड तो होता है चीता विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन चेंज इट्स सेक्स तो जो अपना बदल सकते हैं वो है स्नेल थैंक यू